संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पंडित कमलापति त्रिपाठी की 119वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें कुलपति द्वारा कमलापति त्रिपाठी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कुलपति जी ने बताया कि जिस तरह से कमलापति त्रिपाठी ने श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, आज हम श्रेष्ठ भारत को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलापति त्रिपाठी के योगदान को हम बनारस की जनता कभी भूल नहीं सकती। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने पत्रकारिता से लेकर एक राजनीतिक सफर, जो वाकई हम लोगों के लिए एक हर्ष का विषय है, आज हम लोग ऋषि पंचमी के दिन उनकी जयंती मना रहे हैं। वो एक ऋषि पुरुष थे। जयंती महोत्सव में अध्यक्षता प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं मुख्य अतिथि प्रोफेसर नंदन वाजपेयी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं संयोजक डॉ. पद्माकर मिश्र द्वारा पंडित कमलापति त्रिपाठी के विचारों को साझा किया गया। एक तो इस नदी में उनके अवतरण भगवान को सम्मानित करने के लिए और दूसरा आदरणीय बिहारीलाल शर्मा जी की एक वर्ष संपूर्ण होने पर वो महामानव जिसके बारे में आदरणीय विजय शंकर पांडे जी ने अभी विस्तार से बताया, मैं संक्षेप में इतना निवेदन करना चाहूंगा। उस समय के राजनेता पूर्ण मानव हुआ करते थे, मानवीय सद्गुणों से संपन्न रहते थे, वे साहित्यकार होते थे, वे पत्रकार होते थे, वे धर्म और संस्कृति के लिए एक प्रादर्श के रूप में काम करते थे और साथ में एक उनका उपांग राजनीति भी हुआ करता। राजनीति उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय नहीं होता था। राजनीति प्रासंगिक होती थी, यदि वे राजनेता न भी होते, संविधान सभा के सदस्य न भी होते, वे मुख्यमंत्री भी न होते, रेल मंत्री न होते, तब भी उनका सम्मान वही होता जो कि एक व्यक्तित्व का हुआ करता है। आदरणीय कमलापति त्रिपाठी जी,